टू द वीडियो। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से हैं, बहुत बढ़िया हैं और सेहतमंद हैं और ढेर सारे गाने सुन रहे हैं। गानों की बात कहाँ से आई आप सोच रहे होंगे। आपने कभी ये सोचा है कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएं या किसी होटल जाएं, रेस्टोरेंट जाएं, किसी पार्टी या पब में जाएं या ट्रैवल करने जाएं और कहीं बैठे हों और वहाँ पे गाने ना चल रहे हों, लाइक यू कुडंट हियर एनी म्यूजिक। कितना वियर्ड और कितना खाली खालीपन लगेगा, राइट? क्या आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस यूनिट अगर आप रन कर रहे हैं, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, मॉल या कोई पब, और आप म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं तो आपको म्यूजिक लाइसेंस लेना जरूरी है। दोस्तों, म्यूजिक लाइसेंस लेने का मुख्य उद्देश्य, मेन रीजन इज कि पब्लिशर्स, कंपोजर्स, वो सॉन्ग राइटर्स, सॉन्ग क्रिएटर्स अपने सॉन्ग्स को, अपने म्यूजिक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप म्यूजिक लाइसेंस लेना चाहते हैं तो एक्सपर्ट कंसल्टेशन के लिए जा सकते हैं। म्यूजिक लाइसेंस उन बिजनेसेस के लिए जरूरी है जो किसी कमर्शियल प्रेमिसेस में म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं। और दोस्तों, ये तो आप सबको पता होगा कि म्यूजिक इज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर ऑल ऑफ अस, कितने काम की चीज है। इसलिए लोग भी ऐसे रेस्टोरेंट, होटल या बार में जाना प्रेफर करते हैं जहां उनको म्यूजिक का एडेड एडवांटेज मिलता हो। अगर म्यूजिक ही नहीं चल रहा होगा तो हाउ एम्प्टी एवरीथिंग वुड बी। म्यूजिक लाइसेंस एक तरह का अप्रूवल है जिसे हासिल करके आप सार्वजनिक स्थानों पर म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। अब जानते हैं कि म्यूजिक लाइसेंस की आवश्यकता किसे होती है। हु आर द पीपल यू आर एक्चुअली एलिजिबल एंड नीड टू टेक द म्यूजिक लाइसेंस। कोई भी व्यक्ति जो अपने होटल या ऐसे किसी भी प्रेमिसेस में पहले से रिकॉर्ड किया हुआ संगीत बजाना चाहता है, उसे म्यूजिक लाइसेंस लेना पड़ता है। म्यूजिक लाइसेंस मिलने के बाद अब किसी भी बिजनेस यूनिट, जैसे रेस्टोरेंट, होटल, पब्स, मॉल्स या कोई भी बिजनेस यूनिट में म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस किसी बैंड परफॉर्मेंस, सिंगर परफॉर्मेंस या पब्लिक परफॉर्मेंसेस में भी इन्वॉल्व है तो आपको IRPS लाइसेंस लेना पड़ता है। बट इफ यू आर समवन हु ओन्स अ बिजनेस यूनिट या आप खुद एक क्रिएटर हैं, कहीं किसी कमर्शियल प्लेस पे कुछ प्ले करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है इस म्यूजिक लाइसेंस का, आइए जानते हैं। सबसे पहले म्यूजिक लाइसेंस के लिए आपको कैटेगरी चूज करनी होती है। एप्लीकेंट को IPR की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करके आपको टाइप ऑफ लाइसेंस चूज करना होगा और आपको एप्लीकेशन फॉर्म में उसकी डिटेल्स भरनी होंगी। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाए तब मोबाइल OTP वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद एप्लीकेंट को पेमेंट गेटवेज के थ्रू गवर्नमेंट फीस पे करनी होगी। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा, उसके बाद परफॉर्मिंग राइट सोसाइटीज के थ्रू एक इंट्रोडक्शन लेटर इशू कराया जाएगा। ये लेटर आपको बताता है, दिस नोटिफाइज यू कि आपका रजिस्ट्रेशन IPRS डेटाबेस के साथ कंप्लीट हो गया है। नाउ दिस वाज अबाउट बिजनेस यूनिट, कि अगर आपका अपना कोई ऐसा कमर्शियल चीज है जहां पे आप म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं। अब अगर हम बात करें लाइव परफॉर्मेंसेस की, तो उसके लिए हम म्यूजिक लाइसेंस कैसे लेंगे। पहला स्टेप, आप वेन्यू फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट करेंगे और उसके बाद मौजूद वेन्यू लिस्ट से अपना वेन्यू सेलेक्ट करें। उसके बाद लाइव इवेंट का डेट मेंशन करेंगे और म्यूजिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना फीस पे करें और इस प्रकार आप लाइव इवेंट के लिए म्यूजिक लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अब म्यूजिक लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन अगर हम करवाने बैठ रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड ज़रूरी है, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बिजनेस से रिलेटेड और भी डिटेल्स, और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो म्यूजिक लाइसेंस के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा म्यूजिक लाइसेंस ना ले पाने पे आप जानते हैं कि आपको पेनल्टी भी लग सकती है। सेक्शन 63 के अनुसार ऑफेंडर को कुछ केसेस में 1 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। ये ड्यूरेशन आगे एक्सटेंड होकर 3 साल के लिए बढ़ सकती है। ऑफेंडर को कम से कम 1 लाख का फाइन पे करना होगा जो आगे एक्सटेंड होकर 2 लाख का भी हो सकता है। अगर आप म्यूजिक लाइसेंस लेने का प्लान कर रहे हैं या आप ऐसा कोई बिजनेस यूनिट रन कर रहे हैं तो आप हमारी सर्विसेज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डॉक्यूमेंटेशन से लेके एक्सपर्ट कंसल्टेशन तक सपोर्ट करेगी और आपको म्यूजिक लाइसेंस दिलवाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। सो राइट हियर डू कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन डिटेल्स बिलो। और उसी के साथ साथ अगर आपको और किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। और मैं आपसे मिलूंगी जल्दी ही अगले वीडियो में।
और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ. एंटिल देन, नमस्ते और टेक केयर.